इंडिया की ट्रेनिंग्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऑफ वाइट कलर की लेडीज कार्डिगन लाई हूँ। सिंपल सी है और ये डिजाइन जो है मैंने उन लोगों को बताऊंगी जिनको पहले से ही निटिंग आती है और आप जो है डिजाइन ढूंढने के शौकीन हैं। मैं आपको हल्के से डिस्क्रिप्शन दूंगी कि मैंने ये कार्डिगन कैसे बनाई है। आप देख रहे हैं इसमें सिंपल सी वूल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है मैंने बड़ी महंगी वूल यूज की है, पर ये वूल जो है ये गर्म है। ये बिगनर्स भी इसको यूज कर सकते, इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये सिंपल उल्टा उल्टा बुनना है आपने। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है क्योंकि ये डिजाइन जो है ऊपर को ज्यादा नहीं बढ़ता है जैसे बाकी डिजाइन बढ़ जाते हैं। इसमें ये थोड़ा गफ बनती है, गर्म है, ये देख रहे हैं आप। और इसमें जो है मैंने छोटा सा बॉर्डर बनाया है, एक उल्टा और एक सीधा। नीचे मैंने इसमें डबल बॉर्डर डाले हैं। आपको मैं बताऊंगी मेरी बिटिया इसको पहनने की, आपको बताऊंगी कि अगर आप इसको जीन के ऊपर पहनते हैं बहुत सुंदर लगती है। मैंने इसको ऐसे शुरू किया है, सबसे पहले मैंने इसकी बाजू बनाई है। बाजू में मैंने हल्का सा, जैसे मैंने आपको बोला, छोटा सा बॉर्डर, लगभग एक इंच का इतना एक बॉर्डर बनाया है। और उसके बाद ये देखेंगे आप, ये बाजू है। बाजू मैंने क्या किया है कि इसमें जो है मैंने शुरू में इसमें 46 गह डाले हैं। 46 गह के बाद इसको मैंने यहीं से ही कोई दूसरी तीसरी सिलाई के बाद इसको बढ़ाना शुरू कर दिया है यहां तक। जो यहां मैं कोशिश करती हूं कि जितने घर मैं पल्ले में डालती हूं उससे 10 एक घर कम जो है ये यहां से यहां तक पूरे आने चाहिए। जैसे ये जो है मैंने 8 नंबर में बनाई है, इसलिए जो मैंने इसमें जो पिछले वाले हैं, पिछले पल्ले में जो मेरे घर डाले हैं वो मैंने डाले हैं 110। तो मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे जो है मेरे 100 घर आ जाए। इसकी घटाई देखिए मैंने सिंपल सी कैसे की है। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, पहले 5, 3, 2, 1, बस इतना क्या, उसके बाद मैंने सीधा सीधा घटाया है। आप देखेंगे इसकी कटाई ऐसी है। और आप ये देखिए यहाँ पे, इसको जूम करके देखिए, जो ये है ये मैंने हाथ से नहीं सिला है। इसको सिलने के लिए मैं मशीन का इस्तेमाल करती हूँ। मैं सिर्फ हाथ से जो सिलाई करती हूँ वो सिर्फ हाथ से जो सिलती हूँ वो सिर्फ इसकी पट्टी दोनों तरफ, ये देखिए आप, ये मैंने पट्टी जो है ये हाथ से सिली हुई है। और ये हो गया, आप ये देखिए, आप अंदर से देखिए, ये देखिए आप, ये साइड में ये दिख रहा होगा आपको, इसको भी मैं मशीन से सिलती हूँ, इसको मैं हाथ से नहीं सिलती। इससे क्या होता है, इससे रेडीमेड लुक आती है। ये देखिए आप, कई बार मैं हाथ से भी सिलती हूँ ऐसा नहीं है, पर ये जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये कोई बड़ी महंगी ऊन नहीं थी, ये सिर्फ मैंने शौकिया तौर पर बनाई थी कि देखती हूँ कैसी लगती है। पर आप सच माने तो बिल्कुल ये रेडीमेड जैसी लगती है। अब आप देखें, जैसे मैंने ये पट्टी बनाई है, ये भी एक उल्टा एक सीधा। इसके लिए मुझे क्या हुआ कि जब मैंने सिला इसको यहां से तो इसमें मेरी सफाई नहीं आई, ये थोड़ी खींची हुई जैसी लग रही थी, तो मैंने इसको छुपाने के लिए, आप ध्यान से देखें, ये मैंने सुई से, ये देखिए ये वाला स्टिच यूज किया हुआ है। मुझे नहीं मालूम इस स्टिच को क्या बोलते हैं, पर मैंने जो है ये भी मैं बताऊंगी कि मैं इसको कैसे बनाया है मैंने, ये देखिए आप। फिर उसके बाद क्या है, ये जो है यहां से मैंने आपको पहले भी बोला, जैसे पिछले उसमें 110 घर थे, इसमें मैंने क्या किया कि 55 इधर को डाले हैं, 55 इधर को डाले हैं, और ये पट्टी जो है जितनी आपको चाहिए वो अलग से बुन के फिर इसके साथ जो मैंने है ये सिली हुई है। फिर जब आप इसको यहां तक बुन लेते हैं, यहां भी मेरी यही पल्ले की भी मेरी यही घटाई है जो यहां पे है, इसमें भी मैं ऐसे करती हूँ 5, 3, 2, 1, मतलब पहले 5 घर घटाए, फिर 3 घर घटाए, फिर 2 घर घटाए, फिर 1 घर घटाए। और जब मैं यहां से यहां तक आधा पहुंचती हूँ, जब मैं इसको आधा कर लेती हूँ, मतलब यहां से यहां जो है मैं कोशिश करती हूँ कि अपने हिसाब से जैसी मैं लंबी हूं मैं यहां से एक गिट करती हूँ ऐसे करके। जब यहां पे 5, 3, 2, 1 हो जाएगा तो वहां से मैं एक गिट लेती हूँ। वो मेरे ख्याल से जिसकी जितनी जितना इस तरह से लेंथ बनती है अपने हाथ की, जिसके लिए स्वेटर चाहिए वो सफिशिएंट होती है। फिर मैं यहाँ क्या करती हूँ, जब मैं आधे तक आ जाती हूँ यहाँ भी मैं ऐसे ही करती हूँ 5, 3, 2, 1, सिर्फ एक घर घटा, उसके बाद नहीं घटाती हूँ। ये देखिए फिर ये सीधा है, ये देखिए आप, और ये बिल्कुल आधे, जब आप आधे पे पहुंचते हैं तब मैं यह घटाई करती हूँ। फिर मैंने ये जैसे पूरा कार्डिगन सिल लिया है, उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं यहां से इनको जो घर है घर उठाए हुए, आप बोलेंगे कि ये घर
घर का बड़ा इसका बड़ा आसान सा तरीका है। मैं क्या करती हूँ कि जो नीचे का बॉर्डर है उसको अपने सिर पे गोल करके लगा देती हूँ और उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि मुझे गला कितना रखना है। तो मैंने लगभग जो है मेरा मैंने ये जो है ये देख रहे हैं आप, एक उल्टा सीधा दिख रहा है ना आपको, ये मैंने 10 नंबर में बनाया है और मैंने इसमें 90 घर किए हैं। वैसे तो यहाँ से पूरे घर उठाए हैं, फिर मुझे पता है कि मैंने ऊपर 90 घर रखने हैं। इस तरह से मैं ऊपर करूंगी और ये देखिए आप, यहाँ मैंने इसको डबल बॉर्डर किया हुआ है। ये भी मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको डबल बॉर्डर कैसे करते हैं, इसको मैं बाद में सुई से सिलती हूँ। एक ही वीडियो में ये सब बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं सोच रही थी कि चलो जिसको पहले से ही बुनना आता है मैं सिर्फ उनको एक तरह से ये डिजाइन बताऊं कि ये कार्डिगन में कैसा लगता है। अब ये मेरी बेटी पहन के बताएगी, फिर आप बताना कि आपको कैसा लगा। तो बस इतना ही, धन्यवाद।